So hey everyone, hi, this is Lovely and today in this video I'll be discussing with you the circular flow of income in an economy. सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मतलब क्या है हमारा, देन हम देखेंगे कि कैसे वो क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में डिफरेंट होता है और कैसे वेरियस सेक्टर्स में हमारा इनकम सर्कुलेट होता है, राइट? When I say circular flow of income, I mean that something which is going in a cycle, something which is happening in a loop, right? Circular flow of income मतलब जब income loop में घूमता है across various sectors. So you can say that circular flow of income means movement of money and goods across various sectors of an economy, right? So हम ये कह सकते हैं कि money, goods and services का circulation हमारी economy में जब एक loop में होता है तो उसे ही हम कहते हैं circular flow of income. अब ये movement हम करवाते नहीं है, actually में ये movement होता है और तब हम circular flow of income पढ़ते हैं. किसी भी economy में अगर income का generation हो रहा है तो that income will move in a circle or in a loop and we will see how. ठीक, तो जब भी हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सबसे पहले हम उसे पढ़ते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में. क्लोज्ड इकोनॉमी से हमारा मतलब होता है कि जब अब्रॉड से हम ट्रेड नहीं कर रहे होते, यानी कि फॉरेन सेक्टर को साइडलाइन कर देते हैं. ओपन इकोनॉमी से हमारा मतलब होता है जब हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं. अभी तक आपने इकोनॉमिक्स इतना पढ़ा है तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में मेन इंपॉर्टेंट. एक हो जाता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, एक हो जाता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जो लोग कंजम्पशन करते हैं, फिर आ जाती है हमारी गवर्नमेंट जो कि प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, एंड देन आ जाता है हमारा फॉरेन सेक्टर यानी कि फोर्थ सेक्टर. तो जब हम केवल दो सेक्टर को कंसिडर करते हैं तो उसे हम टू सेक्टर मॉडल कहते हैं, जिसमें हम प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड को लेते हैं. फर्म्स से यहाँ मेरा मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर है जो कि प्रोडक्शन करते हैं. सो फर्म्स एंड हाउस होल्ड को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसे हम दो सेक्टर मॉडल कहते हैं, जब फर्म्स हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को कंसीडर करते हैं तो उसे हम तीन सेक्टर मॉडल कहते हैं, और जब हम फॉरेन सेक्टर को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं यानी कि फर्म्स हाउस होल्ड गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर तो उसे हम फोर सेक्टर मॉडल कहते हैं. ठीक, अब कोई पूछेगा मुझसे कि भाई हमारी कंट्री में कौन सा मॉडल है, तो हमारी कंट्री में क्या हर कंट्री में फोर सेक्टर मॉडल चले, क्योंकि हर कंट्री में प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट है, एज वेल एज वो लोग फॉरेन से ट्रेड भी करते हैं. तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत है, इसे पढ़ने की ये जरूरत है कि इसे पढ़ के हमें थोड़ा आइडिया मिलता है और हमारा बेस बनता है समझने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्यों इनकम एक सर्कल में घूम रही होती है, वाई, राइट? इसलिए पहले इसे पढ़ेंगे एंड देन फाइनली ओपन इकोनॉमी में फोर सेक्टर मॉडल को पढ़ेंगे. तो क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर साइडलाइन रहता है. अब उसमें भी दो केसेस बनते हैं, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल. तो सबसे पहले हम टू सेक्टर मॉडल को अच्छे समझते हैं क्योंकि इसको समझने के बाद सब समझ में आ जाएगा. तो दो सेक्टर मॉडल पे यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको बिजनेस सेक्टर यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर और फर्म्स, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट. नेक्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो कि कंजम्पशन करता है. ठीक, प्रोड्यूसर्स कंजम्पशन, एक तरीके से आपको समझ में आ गया. अब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी होती है, राइट? दे विल प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज. सो फॉर प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. अब ये उन्हें मिलेगा कहाँ से, ये इनको मिलता है हाउस होल्ड सेक्टर से, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को हम क्या कहते हैं, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबके ओनर हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं. तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज को बिजनेस सेक्टर को देते हैं यानी प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं और कहते हैं कि आप प्रोडक्शन कैरी आउट करिए. ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दिया इन्हें. अब जब जब इनको मिला फैक्टर सर्विसेज तो ऐसा तो नहीं है कि फ्री में दे देंगे,
फैक्टर सर्विसेज जब मिलेंगे तो उसके बदले इनको फैक्टर पेमेंट्स देनी पड़ेंगी हाउस होल्ड सेक्टर को। अगर लैंड लिया है तो रेंट देना पड़ेगा, लेबर लिया है तो उनको मनी देना पड़ेगा, उनको इनकम देना पड़ेगा, इनकम का जनरेशन करना पड़ेगा, कैपिटल लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जहाँ एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व है तो उनको प्रॉफिट्स देनी पड़ेगी, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर से प्रॉफिट जाएगा एंटरप्रेन्योर्स को। सो वट एवर सर्विसेज द बिजनेस सेक्टर इज टेकिंग, इट विल प्रोवाइड द पेमेंट फॉर दीज सर्विसेज, एंड उसी को हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। तो इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दिया, इन्होंने फैक्टर पेमेंट्स किया, ये समझ में आ गया। नाउ अब जब फाइनली इनको मिल गया है यहाँ पे इनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन कैरी आउट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। सो जब प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लेगा तो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को कौन लेगा, हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि इनको भाई कंजम्पशन के लिए चीजें चाहिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन ये सेक्टर करता है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन बाय दिस सेक्टर, और ये सेक्टर उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है, कौन, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब इसने गुड्स एंड सर्विसेज को दिया, अब गुड्स एंड सर्विसेज लिया तो इनको पैसे तो देने पड़ेंगे ना उसके बदले। अब पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे वही पैसे ये यूज करेंगे जो पैसे उन्हें प्रोड्यूसर सेक्टर से मिला है, समझे आप। जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर से मिली है उसी इनकम को यूज करके वो खर्चे करेंगे। सो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर एंड इट विल बी गिवन टू द बिजनेस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड किया इनको उसी के बदले वो इनकम देंगे। इनके पास इनकम कहाँ से आई, हाउस होल्ड सेक्टर के पास, प्रोड्यूसर सेक्टर ने दी। कैसे दी, जब इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया था तब उन्होंने इनकम दी थी। तो आप एक गोला गोला देख रहे हो यहाँ पे, इस गोले को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल साथ में लेकर के चलते हैं। तो मान लीजिए कि जब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स मिले प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो पेमेंट किया हाउस होल्ड सेक्टर को, दैट वॉज वर्थ ऑफ रुपीज 100। मतलब इन्होंने जितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप दी हाउस होल्ड सेक्टर ने, ठीक 20 रुपए लैंड पे रेस्ट हो गया, 50 रुपए एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट हो गया, फिर बचे हुए 50 में कैपिटल और जो हमारा लेबर है उनको दे दिया। मतलब आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि कुछ जो भी इनका कॉम्बिनेशन बनेगा उस हिसाब से टोटल 100 रुपीज का सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड किया और उसके बदले इनको 100 रुपीज मिल गया, राइट। अब इनको 100 रुपीज मिला हुआ है, किसको, ये 100 रुपीज इनको मिला हुआ है ना, हाउस होल्ड सेक्टर को। सो अगर प्रोड्यूसर सेक्टर ने 100 रुपीज दे करके फैक्टर सर्विसेज लिए हैं तो जो प्रोडक्शन ये करने वाले हैं वो भी लगभग और लगभग 100 रुपीज का ही प्रोडक्शन करेंगे, या इतने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे जिसका वर्थ, यानी जिसकी कॉस्ट या कीमत लगभग 100 रुपीज होगी, राइट। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास 100 रुपये आ गया है, अब उसी 100 रुपये का यूज करके वही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर खरीदेगा फर्म से, जो कि फर्म्स उसे गुड्स एंड सर्विसेज उसके बदले देगा, ठीक है। तो देखा, वही 100 रुपए इसने इसको दिया और वही 100 रुपए घूम के इसके पास गया, तो कैसे हमारा मनी यहाँ पे गोल गोल घूमा। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्म्स और हाउस होल्ड इन्वॉल्व थी, राइट। ये आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगी। सो वन मोर थिंग दैट आई नीड टू ऐड इज कि यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक मॉडल लिया था, यहाँ पे मैंने ये तक नहीं अज्यूम किया था कि जो बैंकिंग सर्विसेज होती है हमारी इकोनॉमी में वो भी एक्टिवेटेड है। क्यों, क्योंकि भाई आपको भी पता है 100 रुपये अगर हाउस होल्ड सेक्टर को मिलता है तो क्या 100 का 100 रुपए सब खर्च कर देंगे, वो नहीं, लोग सेविंग भी तो करते हैं, लोग कुछ पैसे बचाते भी तो हैं। 100 रुपए अगर उनको मिलता है प्रोड्यूसर सेक्टर से तो क्या 100 के 100 का खर्च कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो इससे पहले जो मैंने अजम्पशन लिया था उसमें मैंने बैंकिंग सर्विसेज की कोई बात नहीं की थी। सो अब इसी में मैं ऐड करने जा रही हूँ कैपिटल मार्केट, यानी कि अगर बैंकिंग सर्विसेज एक्टिवेटेड हैं, यानी कि बैंकिंग सिस्टम हमारा काम कर रहा है तो क्या होगा। तो होगा ये कि जो 100 रुपीज हाउस होल्ड सेक्टर को मिले हैं उस 100 रुपीज में से कुछ मनी हाउस होल्ड सेक्टर बैंकों को दे देगा और सेव कर लेगा। मान लेते हैं 20 रुपीज सेव कर लिया, ठीक, 20 रुपीज सेव कर लिया और 20 रुपीज सेव करके बैंक में डाल दिया, सेविंग हो गई। अब इसके पास कितना रुपया बचा, 80 रुपीज बचा कि नहीं बचा। अब वो 80 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। तो आप देख रहे हैं कि 100 रुपीज मिलता है बट खर्च सिर्फ 80 रुपीज हो रहे हैं इकोनॉमी में, इससे तो इकोनॉमी का घाटा होने लगेगा। क्यों घाटा होने लगेगा समझिए, जब 100 रुपए थे
तो ये 100 रुपए खर्च करते थे, 100 रुपए अगर ये खर्च करते थे तो फिर से बिजनेस सेक्टर को 100 रुपए मिल जाते थे, और वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते थे और 100 रुपए का प्रोडक्शन करते थे, यानी जो भी प्रोडक्शन निकल के आ रहा है वो वर्थ ऑफ ₹100 होता था। बट अगर 80 रुपीज का ही ये खर्च करने जाएंगे तो अब जो बेचारे बिजनेस सेक्टर को पैसे मिलने वाले हैं वो 80 रुपीज मिलेंगे, तो ये लोग कहेंगे यार सिर्फ 80 रुपीज मिले तो उतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 80 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो गई, कहाँ 100 की होती है और कहाँ सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज की प्रोडक्शन ये लोग करेंगे। सो इससे हमारी इकोनॉमी का प्रोडक्शन लेवल कम हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं क्या, लीकेज। क्या कहते हैं बेटा? लीकेज। बेटा नहीं, मतलब क्या कहते हैं? लीकेज कहते हैं। लीकेज मतलब जब भी मनी हमारे सर्कुलर फ्लो से हट जाए, निकल जाए, और उसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लीकेज या फिर आउटफ्लोज। क्या कहते हैं? लीकेज या फिर आउटफ्लो। आउटफ्लो ऑफ मनी, द मनी इज टेकन आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में तो 100 रुपीज घूमने थे बट इन्होंने 20 रुपीज सेव कर दिए जब बैंकिंग सिस्टम एक्टिवेट था, यानी जब कैपिटल मार्केट हमारा एक्टिव था। तो कैपिटल मार्केट में ये 20 रुपीज जब सेव करते हैं तो एक्चुअली में लीकेज हो नहीं पाता है, क्योंकि इसी कैपिटल मार्केट से जो फर्म्स होती हैं, बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि चलो माना यहाँ से 80 रुपीज मिला है इनको, तो वो लोग 20 रुपीज का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे और 20 रुपीज मांग लेंगे बैंकों से कि भाई 20 रुपए हमको दे दीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वापस से इनके पास 100 रुपीज आ गया। तो जो पैसे लोग सेव करके बैंकों में डाल रहे हैं, बैंक से वो पैसे वापस से निकल जा रहे हैं और वापस से सर्कुलर फ्लो में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लीकेज है वो हुआ ही नहीं, लीकेज इज नॉट देयर। लीकेज होता है लेकिन हम आगे के केसेस में देखेंगे कैसे होता है, ठीक है? यहाँ पे लीकेज हो सकता था बट सिंस 20 रुपीज वॉज सेव्ड, 20 रुपीज invested by the business sector by taking out the money from the banks, and so 80 plus 20 वापस से 100 रुपीज सर्कुलेशन में आ गया। सो आई होप कि 100 रुपीज का एग्जाम्पल लेने से आपको एक चीज और इजिली समझ में आई। अब हम देखते हैं कि थ्री सेक्टर मॉडल में क्या सिचुएशन होती हैं और कैसे इनकम थ्री सेक्टर मॉडल में सर्कुलेट होती है। सो अब जो मैंने इतनी सारी खिचड़ी बना दी है, इसको देख के आधे लोग तो डर गए होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत डिफिकल्ट कुछ समझाने जा रही हूँ, बल्कि ये बहुत ही इजी है। आई विल मेक श्योर कि एक एक पॉइंट मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि आपको सब कुछ समझ में आए। सो बेयर विथ मी, हम कुछ ही मिनट में सब समझ लेंगे, राइट? सो अब हम थ्री सेक्टर मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर ऑलरेडी वहां पे है, बस तीसरा एक सेक्टर आ गया है जो कि है गवर्नमेंट सेक्टर। अब उसके आने से हम देखेंगे कि कैसे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो मेंटेन रहता है और कैसे इनकम या मनी का जो फ्लो है वो सर्कल में ही रहता है और सर्कुलेट होता है, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के बीच में कैसे फ्लो हो रहे होते हैं। अब जो बिजनेस सेक्टर है उसे गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस देने पड़ते हैं, राइट? सो द गवर्नमेंट रिसीव्स टैक्सेस फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर, सो टैक्सेस आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस ही नहीं लेती है, कुछ परचेजेस भी करती है बिजनेस सेक्टर से। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर को जब भी कुछ आवश्यकता होती थी कंजम्पशन की तो वो बिजनेस सेक्टर से लेता था, तो वैसे ही बिजनेस सेक्टर से जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी परचेजेस करता है। गवर्नमेंट परचेजेस आइटम्स फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर फॉर इट्स कंजम्पशन। तो जब वो कंज्यूम करेगा तो उसके बदले कुछ पैसे तो देगा ना, तो पैसे वापस से बिजनेस सेक्टर को वो देता है और बिजनेस सेक्टर उसको यूज करके अपना प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं। तो यहाँ पे टैक्सेस के थ्रू कुछ मनी ले गई गवर्नमेंट, लेकिन परचेजेस करके कुछ मनी दे गई गवर्नमेंट। तो ये जो टैक्सेस के थ्रू वो ले गई मनी उसे हम कहते हैं लीकेज, ठीक है? सर्कुलर फ्लो बिटवीन बिजनेस सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व्स द लीकेज थ्रू टैक्सेस। लीकेज का मतलब मैंने अभी आपको समझाया भी था, आउटफ्लो ऑफ इनकम, यानी इनकम हमारी इकोनॉमी से चला जाए, मनी हमारी इकोनॉमी से चला जाए और वो यूज ना हो रहा हो इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो जब टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए प्रोड्यूसर सेक्टर से, तो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन कैसे करेंगे उस लेवल का, तो इससे उन्होंने लीकेज करवा दिया गवर्नमेंट सेक्टर ने। लेकिन भाई सिर्फ लीकेज करके पैसे लिए नहीं, परचेजेस करके पैसे दिए भी, तो सो परचेजेस के गुड्स एंड सर्विसेज के, एंड बाय डूइंग द परचेजेस द गवर्नमेंट हैज डन इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया बाय गिविंग द मनी। अब उसी मनी को यूज करके प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे अपना। सो यहाँ पे एक और टर्म आ गया, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है इनफ्लो। जब भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है या हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करती है और जिन फैक्टर्स की वजह से करती है उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे इंजेक्शन क्या है हमारा? गवर्नमेंट परचेजेस।
सिर्फ गवर्नमेंट परचेजेस ही इंजेक्शन नहीं होता है बल्कि सब्सिडीज भी देती है गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर्स को और ट्रांसफर पेमेंट्स भी देती है प्रोड्यूसर सेक्टर या बिजनेस सेक्टर को। सब्सिडीज यानी कि छूट देती है अपने इन्वेस्टमेंट कैरी आउट करने के लिए। वो टैक्सेस जो वो ले सकती थी वो नहीं लेती, कहती अच्छा नहीं लेंगे क्योंकि वो अपने प्रोड्यूसर सेक्टर को इनकरेज करना चाहती है गवर्नमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स कर देती है यानी ऐसी पेमेंट्स भी दे देती है बिजनेस सेक्टर को जिसके बदले वो कुछ लेती नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर दी पेमेंट्स मेड विदाउट एनी सर्विस, विदाउट रिसीविंग एनी सर्विस। तो गवर्नमेंट ऐसे भी ट्रांसफर पेमेंट्स दे देती है फर्म्स को, बिजनेस सेक्टर्स को, कि भाई तुम पैसे ले जाओ, हमारी एक्सपेंशन करो, हमारी इकोनॉमी क्या, हमारी इकोनॉमी का प्रोडक्शन बढ़ाओ और एक्सपेंशन करो, राइट। सो यहाँ पे इंजेक्शन भी किया और लीकेज भी किया। इसी इंजेक्शन और लीकेज को गवर्नमेंट हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करती है। अच्छा, अभी हमने देखा कि बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच का फ्लो, सिमिलरली हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में भी ऐसा ही फ्लो चल रहा होता है। गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस लेती है हाउस होल्ड सेक्टर से और वो हाउस होल्ड सेक्टर से जब टैक्सेस लेती है तो वो लीकेज का काम करती है, राइट। देयर इज अ सर्कल ऑफ फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, इन दैट देयर इज लीकेज थ्रू टैक्सेस। हम पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं ना किसको, गवर्नमेंट को, तो इससे क्या होता है हमारे हाथों से इनकम जा रही होती है और जब हमारे हाथों से इनकम जाती है तो अब हम लोग वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स को कम कर देंगे। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम कर देंगे तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोडक्शन कम कर देंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाएगी। सो बाय टैक्सेस देयर इज लीकेज इन द इकोनॉमी, आउटफ्लो ऑफ इनकम हुआ इकोनॉमी, आउटफ्लो हुआ इनकम का फ्रॉम द इकोनॉमी, और जैसे ही इनकम का आउटफ्लो होता है इकोनॉमी से प्रोडक्शन एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसलिए तो इसे लीकेज कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज कि चलो लीकेज तो हुआ, वैसे ही इंजेक्शन भी होता है। सो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स ऑन सर्विसेज, किसके लिए, हमारे लिए सर्विसेज, इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। द गवर्नमेंट टेक्स द टैक्सेस बट एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर करती है ऑन सर्विसेज विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। गवर्नमेंट हमें रोड, बिल्डिंग, डैम्स, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इन सब के लिए गवर्नमेंट खर्चे करती है। जब गवर्नमेंट खर्चे करती है तो उस वक्त उसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है। ब्रिजेस, रोड, डैम ये सब बनवाने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जब एम्प्लॉयमेंट देती है तो इनकम का जनरेशन होता है, तो अल्टीमेटली इनकम इज कमिंग इन द हैंड्स ऑफ पीपल, राइट। इट वॉज टेकिंग द इनकम अवे बाय टैक्सेस बट अल्टीमेटली वापस भी तो आया ना पैसा जब गवर्नमेंट ने हमारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसी को एम्प्लॉयमेंट दी। जिन भी लोगों को गवर्नमेंट हायर करती है उसके लिए काम करने के लिए, ताकि वो पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, जैसे कि जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोग होते हैं या जो भी पुलिस होती है, इन सबको गवर्नमेंट इनकम तो देती है ना, और वो लोग हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली हमारे पे खर्चे करती है और हमारे पे खर्चे करने के बदले इनकम का जनरेशन भी करती है, और उसी इनकम को यूज करके हम लोग फिर से डिमांड करते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, सो इंजेक्शन होता है। तो सिर्फ इंजेक्शन सर्विसेज पे खर्च करके या लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके ही नहीं, और भी मेथड से होता है। जैसे गवर्नमेंट जो होता है वो ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, जैसे यहाँ ट्रांसफर पेमेंट्स दे रही थी बिजनेस सेक्टर को, वैसे ही ट्रांसफर पेमेंट्स वो देती है हाउस होल्ड सेक्टर्स को, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन का देना, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ देना यानी कि बेरोजगारी भत्ता देना, ओल्ड एज पेंशन का देना, ये सब इंजेक्शन होते हैं इन द इकोनॉमी। क्योंकि जब भी ओल्ड एज पेंशन के थ्रू लोगों के हाथ में इनकम आएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर वैसे ही जब अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ मिलती है लोगों को, ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स है, यानी कोई सर्विस ना प्रोवाइड करने के भी आपको पैसे मिल रहे हैं कि आपके पास पैसे होने चाहिए ताकि डिमांड बरकरार रहे भाई इकोनॉमी में। सो अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, ओल्ड एज पेंशन, ऑल दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स विच द गवर्नमेंट डज एज अ इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी में डिमांड है वो बनी रहे और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे बल्कि एक्सपैंड करे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में लीकेज और इंजेक्शन हुए, और कैसे लीकेज और इंजेक्शन हुए हाउस होल्ड बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में, और कैसे फ्लो हो रहा है मनी का। मनी टैक्सेस के थ्रू जा रहा है लेकिन गवर्नमेंट परचेसेस के थ्रू आ रहा है, टैक्सेस के थ्रू जा रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू वापस आ रहा है। सो जो सर्कल ऑफ फ्लो है वो मेंटेन्ड है ऑफ द मनी, ऑफ द इनकम, ताकि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो बरकरार रहें और प्रोड्यूसर सेक्टर हमारा प्रोडक्शन करता रहे। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें समझना है, वो ये है कि कभी कभी जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसके जो परचेजेज होते हैं, ठीक, परचेजेज यानी जो वो चीज़ें खरीद रही है, जहाँ पे भी वो एक्सपेंडिचर्स कर रही है, वो उसके नेट टैक्सेस यानी उसकी जो इनकम है उससे ज़्यादा हो जाता है।
टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर ने पैसे लिए हमसे, हाउसहोल्ड सेक्टर से, बिजनेस सेक्टर से पैसे तो ले लिए, लेकिन अब जो गवर्नमेंट को परचेजेस करने हैं, जो भी उसने एस्टिमेट किया है कि मुझे कितना चीज़ कितना खर्च करना है, वो ज़्यादा निकल के आ रहा है जितना उसने कलेक्ट किया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको पैसे तो चाहिए अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने परचेजेस करने के लिए, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, ये सब देख के वो खर्चे करती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं बजट डेफिसिट, यानी कि द गवर्नमेंट परचेज इज एक्सीडिंग द नेट टैक्सेस विच द गवर्नमेंट इज रिसीविंग, इट इज कॉल्ड एज बजट डेफिसिट। और जब बजट डेफिसिट होता है तो इसका सोल्यूशन होता है बोरोइंग करना, यानी गवर्नमेंट बोरो करती है मनी, कहाँ से, कैपिटल मार्केट से। द गवर्नमेंट बोरोज द मनी फ्रॉम कैपिटल मार्केट विच इज रिसीव फ्रॉम हाउस होल्ड। और ये कैपिटल मार्केट में मनी आता कहाँ से, हाउस होल्ड ही तो सेव करता है, मैंने आपको बताया था कभी कभी हाउस होल्ड सेव कर लेता है मनी इसमें कैपिटल मार्केट में। तो अगर सारा पैसा बिजनेस सेक्टर ने नहीं लिया है तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर भी ले लेगी कि भाई मुझे कुछ मनी दे दो, आप यहाँ पे सेव करके जो रखे हो। हमें तो देखो हाउस होल्ड सेक्टर को ये लगता है कि हमने यहाँ पे अपनी मनी अपना इनकम सेव करके रखा हुआ है, बट बैंक्स तो वो सारे पैसे इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, असलियत में बैंक में उतना पैसा तो होता नहीं है। तो जो कैपिटल मार्केट यानी जो बैंक्स के पास पैसा आया है हाउस होल्ड सेक्टर का एज अ सेविंग, दैट विल बी बोरोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट एंड द गवर्नमेंट विल डू इट्स परचेजेस विच वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर। यहाँ से वो अपना परचेज करेगी और बजट डेफिसिट को ऐसे रिजॉल्व कर लेती है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने आई लिखा है, आई मतलब कैपिटल मार्केट से पैसे ले गई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहाँ पे भी उसे खर्च करना था, जहाँ पे भी उसे लगाने थे वो पैसे, जहाँ पे भी उसे परचेज करना था, राइट। सो ये आई आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट ले गई यहाँ से पैसे, लेकिन यहाँ से पैसे ले करके उसने वापस से सर्कुलर फ्लो में ही डाला है, ऐसा नहीं है अपने पास रख लिया, उसे काम था ना इसलिए ले गई। और जब कभी भी नेट टैक्सेस गवर्नमेंट परचेजेस से ज़्यादा हो जाए, यानी जितना इनकम गवर्नमेंट के पास आया है, ठीक है, वो ज़्यादा है और गवर्नमेंट को परचेजेस यानी जो खर्चे करने हैं वो कम है, तो गवर्नमेंट के पास बजट सरप्लस हो जाता है, ज़्यादा पैसे उसके पास है। अब ज़्यादा पैसे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आइडल मनी गवर्नमेंट के पास पड़ा रहेगा। अब आइडल मनी गवर्नमेंट के पास पड़ा है तो ये तो गलत बात होगी हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में सारा इनकम चलते रहना चाहिए, जितना इनकम जनरेट हो रहा है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि वो फिर से फ्लो में ही रह जाए, राइट। अगर गवर्नमेंट उन आइडल मनी को अपने पास रखती है तो दैट इज़ वेरी बैड, वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उस मनी को अवेलेबल कर देती है कैपिटल मार्केट में बाय डूइंग दी सेविंग। सेविंग मतलब क्या, यहाँ पे सेविंग मतलब गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रही है, मनी विच इज लेफ्ट विथ इट बिकॉज देयर इज बजट सरप्लस, इट इज सेंडिंग दैट मनी टू द कैपिटल मार्केट, इट इज सप्लाइंग दैट मनी टू द कैपिटल मार्केट। सो द गवर्नमेंट सप्लाइज फंड्स टू कैपिटल मार्केट विच विल बी यूज बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, और प्रोड्यूसर सेक्टर उस मनी का यूज कर लेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, एंड द मनी इज इन यूज, मनी हमारे सर्कुलर फ्लो में रहेगा और उससे वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, राइट। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट मैनेजेस इट्स बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस, बाय मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इनटू द कैपिटल मार्केट और बाय बोरोइंग फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, राइट। सो आई होप आपको ये तीन सेक्टर मॉडल अच्छे से समझ में आ गया है, नहीं आया तो लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक अनदर सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो। बाकी मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, ठीक। अब हमारा बचता है ओपन इकोनॉमी यानी कि फोर्थ सेक्टर मॉडल, जिसमें फॉरेन सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो अब ये वीडियो तो बहुत लेंदी हो गई है, आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो डिस्कसिंग ओपन इकोनॉमी और फोर्थ सेक्टर मॉडल, इन विच आई डिस्कस द फर्म्स हाउस होल्ड गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर और उनके बीच का फ्लो। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें। Till then, take care. I'll see you in the next video. Bye-bye.